गाइस जब से माइनक्राफ्ट 1.19 वर्जन आया है, जो लोग मोबाइल पर गेमिंग करते थे उन लोगों के वाट लग गए हैं। क्योंकि यार माइनक्राफ्ट 1.19 बहुत ज्यादा लैग करता है एंड 2-3 GB रैम वाले पे तो भाई चलता ही नहीं आजकल अच्छे से। 2-3 GB रैम छोड़ो, मेरे फोन में 6 GB रैम है, मेरे फोन में भी लैग करता है यार बहुत ज्यादा। तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 5 ऐसे गेम लेके आया हूं। देखो विश्वास करो ना करो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई जो भी मैं आपको गेम बताऊंगा ना आज एकदम डिट्टो माइनक्राफ्ट है। डिट्टो आपको हर एक फीचर उसमें मिल जाएगा। और आज के लिस्ट में मुझे एक ऐसा गेम मिला है जो कि माइनक्राफ्ट से भी अच्छा है। और आज के लिस्ट में सबसे ज्यादा खास बात यह है कि भाई ये गेम आपके 2-3 GB रैम वाले फोन में चल जाएंगे, लैग नहीं करेगा। तेरी भी जली ना। तो गाइस अभी हमारे चैनल पर 8500 सब्सक्राइबर है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर दो। 10K होने के बाद मैं एक SMP बनाऊंगा जिसमें मोबाइल यूजर एंड PC यूजर दोनों खेल सकते हैं और वो वाला SMP आपका लैग नहीं करेगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, ओके। एंड टॉप 5 गेम लाइक माइनक्राफ्ट, इसके ऊपर मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हो जाके देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो गाइस बढ़ते हैं आज के पहले गेम की तरफ को। तो गाइस सबसे पहले गेम का नाम है माइनक्राफ्ट। क्या बात करता है यार? अरे मैं सही बात कर रहा हूँ, लोडिंग स्क्रीन देख के समझ में नहीं आ रहा क्या? बात तो सही है। अरे कुछ बात सही नहीं है, इस गेम का नाम है लोकीक्राफ्ट 7। मुझे पता है बहुत लोगों को लोडिंग स्क्रीन देख के समझ में आ गया कि भाई ये माइनक्राफ्ट ही ओपन हो रहा है। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी मैंने पहला ही गेम बताया है, अभी भी 4 गेम बाकी है। रुको जरा, सबर करो वीडियो में। इस गेम का इंटरफेस एकदम माइनक्राफ्ट जैसा ही है, साउंड इफेक्ट वगैरह पूरा सेम है। तो वर्ल्ड क्रिएट करके जैसे मैं एक वर्ल्ड में आ गया हूं, आपको ऐसा फील होगा कि मैंने एक टेक्सचर पैक लगा कर रखा है एंड एक बटन चेंजर एड ऑन लगा कर रखा है माइनक्राफ्ट के अंदर। इसको आप लोग माइनक्राफ्ट की जगह खेल सकते हो। गाइस मुझे लोकीक्राफ्ट का हर एक पार्ट अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन लोकीक्राफ्ट वाला एकदम मस्त तो बना देते हैं। अगर आपने लोकीक्राफ्ट 7 को नहीं खेल के रखा है, जाके डाउनलोड करके खेल के देखना यार। क्रैक माइनक्राफ्ट खेलने से बढ़िया आप लोग ये वाला खेल लो। आप लोगों को नहीं पता लेकिन कोई सा भी क्रैक गेम खेलने से आपके डिवाइस के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है और गाइस क्रैक गेम ही लैग करता है। ये बात आपको कोई सा भी यूट्यूबर नहीं बताएंगे क्योंकि उससे उनका धंधा बंद हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। तो गाइस क्रैक गेम खेलने से अच्छा आप उसके जैसा कोई और दूसरा गेम खेल लो। तो गाइस अभी बढ़ते हैं हमारे सेकंड वाले गेम की तरफ को। तो गाइस सेकंड वाले गेम का नाम है क्राफ्टमैन और इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला क्योंकि यार ये भी माइनक्राफ्ट ही है यार। बस बटन चेंज कर दिया गया है, बाकी सारे फंक्शन इसमें काम करते हैं। इवन कि आपको इस वाले गेम में माइनक्राफ्ट से ज्यादा आपको FPS मिलेंगे। आप लोग इसको अपने लो एंड डिवाइस में आराम से खेल सकते हो, आपका लैग नहीं करेगा। और इसमें आपको जो डिफॉल्ट वाले टेक्सचर देखने को मिलता है वो माइनक्राफ्ट ही है, लेकिन बहुत ज्यादा शार्प है। इस वाले टेक्सचर पैक का नाम है फिटफुल टेक्सचर पैक 64 रेजोल्यूशन वाला, जो कि आपको फ्री में मिलता है। तो गाइस बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाला ये भी गेम है। मैं मतलब आपको क्या दिखाऊं, अगर आपने माइनक्राफ्ट देख के रखा है तो भाई आपको पता चल जाएगा भाई क्या ही गेम है, मस्त वाला गेम है भाई ये। अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किया जाके ट्राई कर लेना। और आज के लिस्ट में मैं आपको जितने भी गेम बताऊंगा सब आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। और आपको मेरे वीडियो में नाम तो सही हो रहा होगा, उसके साथ आपको लोगो भी दिख रहा है, तो सिंपली जाके टाइप करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस क्या आप लोग टेक्नो गेमर को देखते हो? गाइस क्या आप लोग अंशु बीस्ट को देखते हो? गाइस क्या आप लोग गेमर फ्लिट को देखते हो? अच्छा ये दोनों तो सेम है यार, चलो कोई बात नहीं। तो गाइस क्या आप लोग हीरो ब्रांड SMP देखते हो? अरे हाँ भाई हाँ। इसके मतलब आप लोगों को गेम प्ले देखना पसंद है राइट? अच्छा। तो गाइस मैं अपने चैनल पर एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है पैरासाइट एपोक्लिप्स। तो वो वाला सीरीज माइनक्राफ्ट से एकदम ज्यादा डिफरेंट है भाई, आपको बहुत मजा आएगा। मैंने पहला एपिसोड डाल रखा है जिसमें मेरा बहुत बुरा वाला फटा है, मतलब मैं इतना ज्यादा डर गया हूँ मैंने सूसू कर दिया पैंट। अरे अश्लील बातें नहीं कर रहा यार चाचा जी। अगर आप लोगों को गेम प्ले देखना पसंद है जाके मेरे सीरीज को फॉलो कर सकते हो। तो गाइस अभी बढ़ते हैं हमारे थर्ड वाले गेम की तरफ को। तो इस थर्ड वाले गेम का नाम है माइनक्राफ्ट। ये क्या बात करता है यार? अरे बाबूराव जी मैंने माइक बोला, माइनक्राफ्ट। आप लोगों ने भी माइनक्राफ्ट सुना क्या? हाँ। देखो इस पे मेरा गलती नहीं, अपने कान ठीक कराओ। तो थर्ड वाले गेम का नाम है माइनक्राफ्ट और इसको भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोलने का जरूरत पड़ेगा क्या? आप लोग देख ही सकते हो भाई, टेक्सचर वगैरह सब कुछ सेम है और ये भी एकदम माइनक्राफ्ट जैसा। देखो मैंने आपको 3 ऐसे गेम बता दिए जो कि आप लोग माइनक्राफ्ट के रिप्लेस में खेल सकते हो। तो गाइस क्यों आप लोग माइनक्राफ्ट क्रैक खेल के अपने फोन को खराब कर रहे हो यार? अगर आप लोगों को नहीं पता, मैं अपने चैनल पर सबसे ज्यादा जेन्युइन वीडियो बनाता हूं, मैं व्यूज के पीछे नहीं दौड़ता हूं। जो गाइस सच है मैं आपको सच बता देता हूं, ठीक है? और ये बाकी यूट्यूबर नहीं करते। मैंने देखा है बहुत लोगों को, आप लोगों को पूरा बेवकूफ बनाते हैं कि भाई आपका ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन गाइस प्रॉब्लम होता ही है यार। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग दुकान पे जाते हो एंड आपने बोला मुझे एक बिस्किट का पैकेट दो, दुकानदार बोलता है कि 5 रुपए इसका प्राइस है, आप लोग 5 रुपए देके बिस्किट पैकेट को ले लेते हो। अभी आप लोगों ने पैसे देके वो वाला खरीदा तो आप लोगों को फ्रेश मिलेगा, ओके? लेकिन कुछ कुछ बच्चे जाते हैं जो कि बोलते हैं अंकल मेरे पास पैसे नहीं है ना, मुझे एक बिस्किट का पैकेट दे दो। वही वाले अंकल क्या करते हैं, जो खराब हुए रहते हैं या फिर जो एक्सपायर बिस्कुट रहते हैं, और वही का आपका पेट खराब हो जाता है। आई थिंक सो एग्जांपल सही नहीं था इतना भी, लेकिन भाई तुम लोग समझ सकते हो यार, इतने तो बड़े हो गए होगे ना।
अच्छा तो गाइस बढ़ते हैं अभी हमारे चौथे वाले गेम की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने इतना तक वीडियो देखा है यानी कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना चाहते जाते एंड कमेंट कर देना। अगर आपको शॉर्ट आउट चाहिए तो भी कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वाला वीडियो में शॉर्ट आउट दे दूंगा। उधर ही से आपको मिलेगा एक लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन, अभी उसके ऊपर बैठ के आप लोग बिस्कुट खाओ या फिर बैठ के क्रिकेट मैच देखो मुझे नहीं पता, बस उसको दबा के क्लिक कर देना, दबा देना। तो गाइस फोर्थ वाले गेम का नाम है ए मैक्स क्राफ्ट। ये वाला गेम अगर आप लोग इंस्टॉल करते हो तो आपको लगेगा कि आप लोग माइनक्राफ्ट टेलर वर्जन में घुस गए हो। अभी आप लोगों को जो माइनक्राफ्ट का वीडियो दिख रहा है कुछ ऐसा ही आपको इसके अंदर ग्राफिक्स देखने को मिलता है, लेकिन ये वाला गेम अभी तक फुल लॉन्च नहीं हुआ आई थिंक सो, इसके अंदर आपको ज्यादा सेटिंग वगैरह नहीं देखने को मिलता। गेम स्टार्ट करते ही आपको सिर्फ प्ले का बटन दिखेगा, उसको प्ले करके आप लोग एक वर्ल्ड क्रिएट करके वर्ल्ड में जा सकते हो एंड सिर्फ सोलो खेल सकते हो, मल्टीप्लेयर नहीं खेल सकते। और इस गेम में आपको सेटिंग करके कुछ ऑप्शन ही नहीं मिलता, तो अगर आपने एक बार सर्वाइवल पे वर्ल्ड क्रिएट कर दिया तो आप लोग को सर्वाइवल ही खेलना पड़ेगा, और क्रिएटिव कर दिया तो क्रिएटिव ही खेलना पड़ेगा, आप लोग बीच में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इस गेम का ग्राफिक्स मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगा, देखो पूरा ट्रेलर माइनक्राफ्ट जैसा लगता है। अभी तक ये गेम फुल लॉन्च नहीं हुआ है इसलिए थोड़ा सा लैग कर सकता है आपके डिवाइस में, आप लोग चाहो तो इसको टेस्ट कर सकते हो, आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। इस गेम में सेटिंग वगैरह का ऑप्शन अभी तक नहीं आया, बाकी सब कुछ ठीक है, पूरा माइनक्राफ्ट जैसा ही है, साउंड इफेक्ट से लेके मॉब वगैरह सब कुछ एकदम सेम है। आपके ऊपर डिपेंड है, आपका नेट, आपका फोन, आपकी मर्जी, ठीक है। तो गाइस अभी मैं आपको बताऊंगा सबसे बढ़िया वाला गेम जो कि मुझे माइनक्राफ्ट से थोड़ा सा अच्छा लगा। इस गेम का भी कॉन्सेप्ट माइनक्राफ्ट जैसा ही है लेकिन इसमें आपको मॉड डलवाए हुए मिलते हैं। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। अरे मुझे पता है तुम लोग नहीं समझे, मतलब इस गेम में ऑलरेडी मॉड इंस्टॉल होके आते हैं। जैसे कि आपने कभी ये वाला बायोम नहीं देखा होगा माइनक्राफ्ट के अंदर, या फिर ये सुगरकेन बायोम भी नहीं देखा होगा। इसमें आप लोग सर्वाइवल, क्रिएटिव सब कुछ खेल सकते हो, बाकी सब कुछ सेटिंग सेम है। इसके अंदर सबसे बढ़िया सेटिंग ये है कि आप लोग गेम खेलते करते अपना कैमरा एंगल को चेंज कर सकते हो, जो कि आप लोग माइनक्राफ्ट में भी कर सकते हो। अरे क्या झूठ बोल रहे हो? अरे सच्ची। हां भाई मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूं, मुझे पता है, पहले सेटिंग में जाके फिर कैमरा एंगल चेंज करना पड़ता है। अरे नूब रे, कि मेरा ये वाला वीडियो देख ले, तुमको है ना F5 बटन मिल जाएगा, उसको दबाते तुम्हारा कैमरा एंगल भी चेंज हो जाएगा। भाई भाई तुम सच बोल रहे हो क्या? हाँ, और नहीं तो क्या, जाके देख ले वाला वीडियो, और वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारे स्टेप अच्छे से कर पाए। अगर नहीं देखा वीडियो को एंड तक तो फिर मुझे ये मत कमेंट कर देना कि भाई मेरा काम नहीं करता, तू फेक वीडियो बनाता है नूबड़े कहीं के। ठीक है भाई मैं जाके देखता हूँ। अगर आप लोगों को भी माइनक्राफ्ट के अंदर F5 बटन चाहिए जाके मेरा वाला वीडियो देख लेना, ऊपर आपको कार्ड में लिंक दिख रहा होगा। ओके मजा आया। हाँ तो मैं कहाँ था? तेरी की काट। मैं वीडियो बनाता रही YouTube। ओके ठीक है ठीक है। हाँ तो लास्ट वाला गेम मुझे क्यों अच्छा लगा, देखो इसके अंदर मॉड डले होते हैं ऑलरेडी, तो बहुत बढ़िया बात है ये, आपको कोई मॉड अलग से डलवाना नहीं होता। और इस गेम का ग्राफिक्स अच्छा है, कलरफुल है, वाइब्रेंट है, आंखों को अच्छा लगता है, ज्यादा चुभता नहीं है। और इसके अंदर आपको फर्नीचर मोड भी मिलते हैं भाई, जैसे कि ये वाला चेयर देखो, चेयर तो ठीक है लेकिन आप इसमें बैठ भी सकते हो भाई, फर्नीचर मोड तो ठीक है लेकिन गाइस इसके अंदर आपको बहुत सारे नए नए विलेंस भी देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, अगर आपको चाहिए अलग से वीडियो तो कमेंट कर देना। मैं आपको बस एक मॉब दिखाता हूं जो कि है ये वाला स्केलेटन। तो भाई ये वाला स्केलेटन बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई, इसके दोनों हाथ पे चक्कू रहता है और ये चक्कू को ऐसे उछाल भी सकता है, इसके अंदर दिमाग बहुत ज्यादा होता है, खोपड़ी है, भेजा दिखता नहीं है लेकिन है इसके अंदर भेजा। तो गाइस यही था आज के वाले वीडियो पर, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों को ये वाला वीडियो शेयर कर देना, अगर कंटेंट देख के मजा मजा आ रहा है तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड ये वाला सीरीज देखना भूलना मत, बहुत बढ़िया सीरीज है, जाके देख लो एक बार। तो बस यही कहना था, मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और नए खतरनाक वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Come get some. I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fastest, boy.